हाय एवरीवन, सो आज की हायरिंग वीडियो आज तक की वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड हायरिंग वीडियो होने वाली है, बिकॉज जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो कंपनी लास्ट दो मंथ से काफ़ी सारे बच्चों को टेस्ट भेज रही है, काफ़ी सारे बच्चों को इंटरव्यूज भेज रही है, काफ़ी सारे बच्चों को हायरिंग कर रही है और उस कंपनी ने आज दोबारा से हायरिंग निकाली है। अब हमारे पास पूरी एक एक डिटेल हमारे सामने है, तो इस कंपनी के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे असेसमेंट आता है, असेसमेंट का पैटर्न क्या होता है, इंटरव्यूज आगे कैसे शेड्यूल होते हैं, विद स्क्रीन शॉर्ट्स आपको एक एक चीज में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग वीडियो होने वाली है। मैं होप करूंगा कि कोई भी बच्चा इस वाली हायरिंग को मिस नहीं करेगा, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं रुपीक एलिवेट की। तो रुपीक एलिवेट ने अप्रैल मंथ के लिए सबसे पहले दोबारा से हायरिंग निकाल दी है। अब देखो, इसमें जो आपको एक कॉमन बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप इसमें मैं जितनी जल्दी अप्लाई करते हो वो इतना ज़्यादा आपको इसमें एडवांटेज देता है। मेजरली इसमें हर बार 4 से 5 हज़ार बच्चों को टेस्ट आराम से भेज दिया जाता है। बट अब इसमें जब आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे आपको असेसमेंट देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल्स को वन बाय वन एक साथ देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं और मैं आपको सबसे पहले असेसमेंट्स दिखाता हूँ। जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको एक ऐसा ऑनलाइन असेसमेंट रिसीव होगा और इसको ये अभी लास्ट वीक ही असेसमेंट कंडक्ट कराया गया था। अब ये दोबारा से सेम हायरिंग यहाँ पर आ चुकी है। इस असेसमेंट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वाला असेसमेंट जब आज आप अप्लाई करोगे इसके लगभग आपको 1 वीक या 2 वीक बाद तक आ सकता है। हो सकता है इसी वीक आ जाए या हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक तक आ पाए, तो इतना टाइम इसमें लग सकता है। ये ऑनलाइन असेसमेंट टोटल 60 मिनट्स का होता है। कैसे अप्लाई करना है उसको देखते हैं, फिर असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसमें एक जो बहुत अच्छी चीजें जो पॉइंट आउट करने वाली है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखो, जब आप इसमें हायर होते हो, रुपीक में जब आप हायर होते हो, तो ये आपकी पीपीओ प्लस इंटर्न की पोजीशन है, ठीक है। पीपीओ प्लस इंटर्न की पोजीशन है, मतलब इसमें आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और इंटर्नशिप के बाद आपको यहाँ पर एक फुल टाइम ऑफर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि जितनी भी अपन की आईटी एमएनसी सर्विस बेस्ड कंपनी है, लाइक टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट या कोई भी आप कंपनी को उठाकर ले सकते हो, उन कंपनीज से इस कंपनी का पैकेज ज्यादा अच्छा होता है। ये कंपनी आपको 7+ लाख रुपीज का पे पैकेज प्रोवाइड कराती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो आपको एज अ फ्रेशर एक तो बहुत गुड स्टार्ट मिलेगा। दूसरी बात, जब आप एज अ फ्रेशर जब किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो अपन चाहते हैं अपन ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, अपन ऐसी फॉर्म में काम करें जहां पर लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं, जिससे अपन को एक्सपोजर काफी अच्छा मिल पाए। तो ये कंपनी आपको वो प्रोवाइड जरूर करवा देगी। तो ये मेरी गारंटी है कि इस कंपनी का वर्क कल्चर, ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस एवं काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या पोजीशन है, मैं आपको बताता हूँ। सोनाली वर्मा हायर कर रही है, हमेशा यही हायर करती है। अगर आपको मैं मेल दिखाऊं तो सोनाली की तरफ से ही मेल भी आते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। अभी आप देख सकते हो इंटरव्यू मेल्स भी गए हुए हैं लेटेस्ट ही रुपीक की तरफ से। मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूं। तो देखो, सोनाली ही हायर कर रही है हमेशा हर महीने। सो रुपीक इज हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स इंटर्न फॉर बिजनेस कॉर्पोरेट टीम्स। टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें वो लोग अप्लाई ना करें जो करंटली इन प्रोग्रेस हैं विथ रुपीक। अब इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, जो लोग करंटली इंटरव्यूज में अभी चल रहे हैं विथ रुपीक, कृपया वो लोग इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। सबसे पहले इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के आगे हम बढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, क्लियरली मेंशन है 2023-2024 पास आउट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बीटेक बी और एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, रेज्यूम रिव्यू होगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट, फिर 2-3 राउंड्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज की रिक्वायरमेंट रखी है। बाकी अगर इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सेल, एसक्यूएल, गुड टू हैव नॉलेज ऑफ एडवांस एनालिटिकल टूल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मांगी है। अब बाकी आप रुपीक के बारे में पढ़ सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। अभी जो जॉब रोल है वो बिजनेस एनालिटिक्स में होने वाला है। अब इस जॉब रोल के लिए बेसिकली एनालिसिस, पाइथन, एक्सेल, एसक्यूएल और खासकर एसक्यूएल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखी जाती है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। इस फॉर्म को फिल करने के बाद देखो, ऐसा चिन्ह ने कुछ ऐसा तो मेंशन नहीं किया है कि जिन लोगों ने अभी रिसेंटली अप्लाई किया हो तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और ये गूगल फॉर्म है, कोई ऑफिशियल करियर पेज के थ्रू तो है नहीं, तो इससे आपका कभी भी कोई कूलिंग पीरियड नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसको भर सकते हो, कैंपस नेम मतलब कॉलेज नेम आप डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हो इसमें। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में 2024-2023 है। बाकी आर यू विलिंग टू रिलोकेट फॉर बैंगलोर, यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इसमें लिखा है आर यू इंटरेस्टेड इन प्री पी ओ, दैट मीन्स आपको फुल टाइम ऑफर प्रोवाइड कराया जाए कि नहीं, तो आप इसके लिए बिल्कुल यस भरें।
बाकी आगे अगर बात करते हैं तो एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, टेबलू और पावर बीआई, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप में इनमें से एटलीस्ट 3 स्किल्स में आप बिगिनर भरें, नो एक्सपोजर ना भरें, क्योंकि ये आपका शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेगा। बाकी हाउ मेनी मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, यहाँ पर आप अपना चूज कर सकते हो फ्रेशर या 3 मंथ। यहाँ पर फिर आपको अपना रेज्यूम अपलोड करना है, रिफर्ड बाय एम्प्लॉय नेम और कंसल्टेंट नेम एज एप्लीकेबल। सो इसमें अगर आप कुछ भी भरो तो चलेगा, वैसे तो इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चाहो तो आप इसमें सोनाली का नाम भी भर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर रेज्यूम को अपलोड कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपका टोटल एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके असेसमेंट की। तो अगर आप देख रहे हो तो ये लास्ट वीक ही असेसमेंट कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 60 मिनट्स का था, और यहाँ पर आपको इसी प्रकार का असेसमेंट इस बार भी रिसीव होगा। अब इस असेसमेंट में आपको क्या करना पड़ता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, रुपीक का जो ये जो 60 मिनट्स का असेसमेंट है, ये एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट होता है। मतलब इसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो लगभग मीडियम लेवल के होते हैं, मीडियम हार्ड भी हो सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके आते हैं सीएस फंडामेंटल से। अब ये लोग सीएस फंडामेंटल्स में कुछ भी कवर कर लेते हैं, मतलब आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स ठीक से आने चाहिए। उसमें देखो, आपसे एसक्यूएल पूछ लिया, डेटाबेस पूछ लिया, है ना, प्रोग्रामिंग पूछ ली, और साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पूछ ली, ठीक है। और बाकी के भी जितने डोमेन होते हैं सीएस फंडामेंटल्स में, जैसे कि नेटवर्क्स हो गया, या एनालिसिस हो गया, या लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जितने भी सीएस फंडामेंटल्स हैं, बेसिक एप्टीट्यूड है, तो इसके क्वेश्चंस आपको टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लोग टेस्ट को थोड़ा थोड़ा सा बेसिकली हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि हमेशा जब लोग ये टेस्ट बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनका अलग रहता है, बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। और जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लोगे, टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको हाल ही लगभग 3 से 4 दिन में कुछ ऐसा आपको इंटरव्यू रिसीव होता है। जैसा आप देख सकते हो, सोनाली ही इंटरव्यू भेज रही है, रुपीक एलिवेट इंटर्नशिप, ठीक है। और आप देख सकते हो, ऐसा आपको इंटरव्यू भी रिसीव हो जाएगा, और ये इंटरव्यूज लगातार यहाँ पर चल रहे हैं रुपीक के, अभी करंटली में भी प्रोग्रेस में है। अब ये इंटरव्यू में सबसे पहले आपको एक तो अच्छे से एसक्यूएल आनी चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ आपको। एसक्यूएल की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एसक्यूएल आने के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर, मतलब मैं कह सकता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हो सकता है आपको कुछ केस स्टडी टाइप की दी जाए, हो सकता है उसी पॉइंट पर आपसे कोई चीज़ें पूछी जाए, तो वो चीज आपको यहां पर बतानी आनी चाहिए। साथ साथ में आपको अपने सीवी पे, मतलब जो रेज्यूम आपने अपलोड किया है, उसके ऊपर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। बाकी ये कंपनी थोड़ा मीडियम लेवल का इंटरव्यू रहती है, कम्युनिकेशन अच्छे से जज करती है, और तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मेजरली अगर आपको प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू के लिए, तो आप एसक्यूएल को प्रिपेयर करके जाइए, प्रोग्रामिंग को प्रिपेयर करके जाइए, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करके जाइए, और अपना पास्ट एक्सपीरियंस को भी आप प्रिपेयर करके जाइए। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये बेसिक आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स तो पूछना मुश्किल ही है, बट हो सकता है बेसिक्स आपसे सीएस फंडामेंटल्स भी ये लोग पूछ लें। बट जो इंटरव्यू है उसमें ये कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के अराउंड, केस स्टडीज के अराउंड, या प्रॉब्लम थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग के अराउंड। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। तो इसमें अप्लाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।